कनाडा स्टूडेंट वीजा की काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं। सितंबर इनटेक का ट्रेंड क्या है? अगर आपने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है, राइट टाइम है, ठीक है। अगर आपने पीटी की है तो आपको कनाडा अप्लाई करना चाहिए। किन एप्लीकेशन को पीटी के ऊपर कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहिए? कनाडा किन स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए? इस समय कनाडा की वीजा सिचुएशन क्या है? स्ट्राइक के बाद सिचुएशन क्या है? क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे कि अब रिजल्ट पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कोविड के टाइम रिजल्ट नहीं आए थे और स्टूडेंट सोच रहे थे कि कोविड जैसी सिचुएशन अभी क्रिएट ना हो। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अबाउट कैनेडियन स्टूडेंट वीजा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की आप वीजा फाइल हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा एसओबी में क्या हम चाहिए, या अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पहले अगर मैं रिजल्ट की टाइमिंग की बात करूँ तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं फॉर दी सेप्टेम्बर इनटेक। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है कि सेप्टेम्बर इनटेक इस समय अप्लाई करना चाहिए, तो गाइज अगर आपने ऑलरेडी ऑफर लेटर ले लिया है, ठीक है, तो आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है फॉर दी सितंबर इनटेक, यहाँ पर जो मेजर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो फेमस होते हैं, जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ द कैपेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए एज कम्पेयर टू द स्मॉल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वो क्लोज हो चुके हैं। और उनमें जो आपके रेलिवेंट प्रोग्राम है या रेलिवेंट कोर्सेज हैं वो क्लोज हो चुके हैं फॉर दी सितंबर इनटेक। और आपका जो रेलिवेंट प्रोग्राम है जिससे आपकी प्रोग्रेशन होनी है, उसके मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो अगर तो आप परफेक्ट लोकेशन परफेक्ट कोर्स चाहते हैं तो आप जनवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। अगर ऑलरेडी आपका ऑफर लेटर आ चुका है, ठीक है, आपने फीस पे कर दिया है, तो बेस्ट टाइम है सितंबर के लिए। आप आराम से प्लान कर सकते हैं क्योंकि हाई कमीशन 15 से 20 दिन, कुछ केसेस में 5-7 दिन ज्यादा ले रहा है, बट मैक्सिमम 30 डेज के अंदर जो स्टूडेंट वीजा के रिजल्ट है वो आ रहे हैं। अब बात है पीटी वाले स्टूडेंट्स की। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटी में अगर आपकी जो दूसरी कैनेडा की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके 60% मार्क्स हैं, आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, ठीक है, आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ आपने 12th की है उनकी जो मेन सब्जेक्ट है या कोर सब्जेक्ट है उसमें परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है, पीटी में आपके 58+ है, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर कैनेडा विद अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, और वीजा पीटी के ऊपर आते हैं। बट अगर पीटी के ऊपर आपकी एकेडमिक्स भी वीक है, ठीक है, आपका गैप है, उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल वेल मेंटेन नहीं है, तब आपको पीटी के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, ठीक है, वो क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कोर्स के कारण वीजा रिफ्यूज करवा लेते हैं। आगे भी ये चीजें या बहुत गलतियां स्टूडेंट करते हैं, तो अवॉइड करना है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कोर्स। हमें सितंबर की सीट नहीं चाहिए, हमें कनाडा का वीजा चाहिए। हमें अपने फ्रेंड के पास नहीं जाना है, हमें वीजा चाहिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड रिलेटिव ब्रैम्पटन में रहता है, आप कोई कॉलेज यूज करते हो ब्रैम्पटन का, बट उस कॉलेज में आपकी रेलिवेंसी नहीं बनी, तो फ्रेंड के पास तो तब जाओगे ना जब आपका वीजा अप्रूव होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रेलिवेंसी, हमारी प्रोग्रेशन देखनी है वीजा ऑफिसर ने, तभी हम अपने फ्रेंड रिलेटिव को मिल पाएंगे, ठीक है। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। किन स्टूडेंट को कनाडा अवॉइड करना चाहिए? जैसे सेम एज पीटी मैंने बताया कि अगर आपकी एकेडमिक्स वीक है, फाइनेंशियल वेल मेंटेन नहीं है, आइल्स में आपके 6 ईच नहीं है, देन यू शुड नॉट ट्राई कनाडा, बिकॉज मल्टीपल टाइम आप रिफ्यूजल ले लोगे और उससे आपका पैसा भी खराब होगा, आपका समय भी खराब होगा। जो भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में वो करो, देन ही कनाडा को अप्लाई करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका केस फ्रेश है, ठीक है, तब थोड़ा सा आपको एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट बाकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, रिजल्ट डेफिनेटली डेली आ रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर दी मोर वीडियोस रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा एंड टूरिस्ट वीजा। थैंक यू।